वेलकम टू पीसीएस एजुकेशन चैनल फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आदर्श अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 25-26। प्रीवियस सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, नहीं किए तो इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट दी हुई है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10, सभी सॉल्यूशन वहाँ पर अवेलेबल है चैप्टर 3 के सभी एक्सरसाइज के। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देयर आर टू क्लासरूम्स ए एंड बी, क्या बोला है? टू क्लासरूम्स है राइट, क्लासरूम ए एंड क्लासरूम बी। इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम बिकम्स द सेम। इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम डबल्स द स्टूडेंट्स इन बी। सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम राइट। सो लेट सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम ए, आप मान लीजिए एक्स, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम बी हम मान लेते हैं वाई। दो क्लासरूम है, लेट सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए में एक्स है एंड क्लास बी में वाई है, ठीक है। तो आपसे क्या बोला है, दो क्लासरूम है। इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, मीन्स आपको क्या बोला है, आपने क्लासरूम ए में कितने स्टूडेंट्स मान लिए, ए एक्स मान लिया एंड क्लासरूम बी में मान लिए वाई। तो जो आपका ए है इससे आपने 10 स्टूडेंट्स कहाँ भेजे, वाई में भेजे, ठीक है, सॉरी सेकंड क्लासरूम में भेजे हैं। अगर आपके पास एक्स स्टूडेंट्स है क्लासरूम ए में, ठीक है, एंड वाई स्टूडेंट्स है क्लासरूम बी में। अब आपसे क्या बोला है, इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, मीन्स यहाँ से इस इन एक्स वाले स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स निकाले और यहाँ पर भेज दिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 10 हो जाएगा। मींस नॉर्मली भी अगर हम एग्जांपल से देखते हैं कि क्लासरूम ए में 40 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे 20 है, सो आप क्या करेंगे, इसमें से अगर आपने 10 स्टूडेंट्स यहाँ पर भेज दिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रह जाएंगे, 40 माइनस 10, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 प्लस 10, यही तो होगा ना। मीन्स इस रूम में से तो 10 माइनस हो जाएंगे एंड इस रूम में 10 प्लस हो जाएंगे। जैसे ही हम इसमें 10 स्टूडेंट्स यहां पर सेंड करेंगे सेकंड क्लासरूम में, तो इसमें से तो माइनस हो जाएंगे, दैट मींस 40 माइनस 10, एंड यहां पर क्या हो जाएंगे, 20 प्लस 10, वहां पर 10 इंक्रीज हो जाएंगे। सो दिस इज द इक्वेशन कि दो रूम में, एक रूम में एक्स स्टूडेंट्स हैं, एक में वाई है, इसमें से 10 स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर भेजे, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, x माइनस 10, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, y प्लस 10। सो एग्जाम्पल से समझ आ गया ना गाइस आपको, चलिए तो ये आपस में अब इक्वल हैं, ठीक है। नाउ आपसे क्या बोला है, अगर भेज देते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम बिकम्स द सेम। इक्वल है का मतलब कि दोनों जो रूम्स हैं अब इसमें स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, दैट मीन्स यहाँ पे भी इन दोनों जगह आपके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई, सो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 10 प्लस 10, दैट मीन्स एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 20। सो दिस इज योर इक्वेशन 1। इतना समझ आया, यहाँ से 10 स्टूडेंट निकाले, यहाँ भेज दिए, तो यहाँ पे माइनस 10 होगा, यहाँ प्लस 10 होगा। सो आपसे बोला है कि दोनों रूम में स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो यानी कि इक्वल का साइन हो जाएगा, ठीक है। नाउ इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब आपके यहाँ बी में कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 है, ठीक है, तो इसमें से कितने गाइज, ये ऑब्वियसली ये नंबर तो नहीं होगा, ठीक है, तो मान लेते हैं हम 20 की जगह 10 मान लेते हैं, ठीक है, तो मान लिया 15 मान लेते हैं, चलिए 20 इस रूम में से, ये जो बी है इसमें से 15 स्टूडेंट्स कहाँ भेजे आपने, यहाँ भेजे, तो यहाँ पे 15 होगा ना आपका, यहाँ से इस बी वाले रूम से 15 स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ भेजते हैं, तो यहाँ पे माइनस 15 हो जाएगा एंड यहाँ पे प्लस 15 हो जाएगा। तो वो कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ए में वो किसके इक्वल हो जाता है, वो ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी के इक्वल हो जाता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर अपनी इक्वेशन से देखते हैं। इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, सो ए में कितने स्टूडेंट्स हैं, एक्स, बी में कितने स्टूडेंट्स हैं, वाई, ठीक है। यहाँ से 20 स्टूडेंट्स कहाँ भेजे, ए में भेजे, तो यहाँ पर प्लस 20 हो गया, यहाँ माइनस 20, भाई यहाँ से 20 निकाले, यहाँ पे प्लस कर दिए, तो ऑब्वियसली इसमें से 20 माइनस होंगे ना एंड इसमें प्लस होंगे। अब आगे देखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए, तो ये ए है क्लासरूम,
इसमें ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे ए में वो किसके इक्वल होंगे, बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी। तो ये जो नंबर है ए, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी रह गए, इसके डबल के इक्वल हो जाएगा। समझ आया? फिर से समझ लीजिए, इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, अगर 20 स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ भेज दें तो आपसे कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए। तो जैसे यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स आ गए तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए में होंगे वो किसके इक्वल होंगे, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी के डबल के इक्वल होंगे। मीन्स अब यहाँ पर इस जो आपके बचे हुए स्टूडेंट्स हैं इनका 2 times करते हैं तो वो उसकी संख्या एंड इसकी संख्या क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, समझ आ गया गाइस आप लोगों को ये स्टेटमेंट? सिर्फ छोटा सा स्टेटमेंट कि इसमें से 20 निकाले यहाँ भेज दिए तो अब इसमें ऑब्वियसली इंक्रीज हो गए ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इंक्रीज हो गए तो जो ये स्टूडेंट्स एंड ये कम रह गए, तो ये कहता है कि जो इस क्लासरूम ए में स्टूडेंट्स हैं अब वो क्लासरूम बी के स्टूडेंट्स का अगर हम डबल कर दें तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बिकम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ट्वाइस इन बी, मीन्स ये डबल बोल दिया ना गाइज आपको। ठीक है, सो समझ आ गया। नाउ अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस 20 इक्वल्स टू 2y माइनस 40। नाउ एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 40 माइनस 20, सो एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 60 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। आई होप गाइज मैंने आपको इन इक्वेशन पे इसलिए फोकस किया है कि यही आपका मेन है, यहाँ पर ये सिर्फ 2 equation अगर आपकी बन गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इक्वेशन ही नहीं बनती तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। सो इसलिए इन इक्वेशन का आपको समझना अच्छे से जरूरी है। सेम दीज आर टू, देर आर टू क्लासरूम, 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ से 10 निकले और यहाँ पर क्या हो गए, ऐड हो गए 10, तो जो स्टूडेंट्स हैं दोनों क्लासरूम में वो क्या हो गए, अब सेम हो गए। उसके बाद वाई से बी क्लासरूम से 20 निकाले ए में भेज दिए, तो ए में अब ज़्यादा हो गए, तो बोल रहा है वो कि जब बचे हुए आपके वाई में हैं तो वाई का अगर हम 2 times कर दें, यानी कि बी जो क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं उनको 2 times कर दें तो वो ए वाले स्टूडेंट्स के, ए जो क्लासरूम है उसके स्टूडेंट्स के इक्वल हो जाता है। ठीक है, नाउ आइए सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 20, एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 60। ठीक है, अब हम देखते हैं x वेरिएबल के कॉफिशेंट वैल्यू सेम है, साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, सो ये कैंसिल, यहाँ से क्या आएगा, प्लस y इक्वल्स टू 80। ठीक है, दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन y इक्वल्स टू 80। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुट करते हैं x माइनस y इक्वल्स टू 20, सो x माइनस 80 इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 20 प्लस 80, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 100, राइट? सो इट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम ए इक्वल्स टू कितना मान था, एक्स माना था, जिसमें स्टूडेंट्स कितने हैं 100, राइट? एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम बी वाई के इक्वल माना था, जिसकी वैल्यू है आपकी 80, एंड दिस इज योर गाइस आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने देखा, फिर तो हमने सिर्फ स्टेटमेंट बन गया, उसके बाद तो इक्वेशन चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, स्टेटमेंट अच्छे से समझना जरूरी है। अगर थोड़ा भी डाउट है तो वीडियो को दोबारा से देखिए, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से देखिएगा तो आपको पूरा स्टेटमेंट वाइज कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट? एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों को दिया हुआ है, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज एंड रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर्स। सो गाइस, कोई भी अगर टैक्सी में ट्रेवल करता है सो उसका क्या रूल होता है, एक तो फिक्स चार्ज लेते हैं वो, बाकी बचा हुआ जो चार्ज होता है वो पर किलोमीटर के हिसाब से डिवाइड होता है। कि मान लिया आपका फिक्स चार्ज है 20 rupees एंड अगर आप 2 kilometers चलते हैं, 10 kilometers चलते हैं, तो पर किलोमीटर के हिसाब से उसको चार्जेस है, मान लिया 2 rupees पर किलोमीटर है। सो अगर कोई बंदा 10 kilometers चलता है तो पर किलोमीटर चार्जेस कितना है, 2, तो यानी कि 1 kilometer का चार्जेस 2 rupees, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 20 rupees हो जाएगा, एंड 20 rupees फिक्स चार्ज है तो टोटल वो 40 rupees पे करेगा 10 किलोमीटर चलने के लिए, क्योंकि ये आपका फिक्स चार्ज है
एंड पर किलोमीटर चार्ज कितना है 2, तो 10 किलोमीटर चलने के लिए कितने रुपीस पे करेगा 20, बट फिक्स चार्ज भी तो देना है, तो दोनों का यानी कि टोटल 40 रुपीस वो पे करेगा। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल। नाउ क्वेश्चन को समझते हैं, इसी पे बेस्ड है पूरा क्वेश्चन। टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज एंड रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर्स। सो लेट सपोज फिक्स चार्ज इक्वल्स टू रुपीज एक्स, फिक्स चार्जेस इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, एंड लेट रेट पर किलोमीटर चार्जेस इक्वल्स टू रुपीज वाई। मीन्स फिक्स चार्ज आपका एक्स है एंड रेट पर किलोमीटर चार्जेस आपका कितना है वाई है। नाउ इफ ए मैन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर, अगर वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करता है 80 किलोमीटर, तो वो कितना पे कर रहा है रुपीज़ 1330, यानी कि वो 1330 में आपका फिक्स चार्ज भी इंक्लूड होगा और रेट पर किलोमीटर के हिसाब से भी चार्जेस इंक्लूड होगा। सो एक्स आपका फिक्स चार्जेस है, ठीक है, तो 80 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर का चार्जेस कितना है वाई है, तो 80 का कितना हो जाएगा 80 वाई हो जाएगा। दैट मीन्स ये 80 किलोमीटर का चार्ज प्लस फिक्स चार्ज दोनों का मिलाकर वो कितना पे करता है 1330 पे करता है। गाइस रुपीज़ है ये भी वैल्यू, क्योंकि आपके रुपीज़ में वाई भी आपका में, तो रुपीज से रुपीज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो हमने यहां पे इसलिए रुपीज को नहीं लिखा। नाउ दिस इज योर इक्वेशन 1, क्लियर है इतना। नाउ इफ ही ट्रेवलिंग 90 किलोमीटर देन ही पेस 1490, अगर डिस्टेंस कितनी होती है 90 किलोमीटर होती है, तो वो कितना पे करता है गाइस 1490 पे करता है। अगेन यहां के लिए भी एक तो फिक्स चार्ज है, ठीक है, प्लस 1 किलोमीटर का चार्ज वाई रुपीज, तो 90 किलोमीटर का चार्ज 90 इंटू वाई, दैट मीन्स 90 इंटू वाई एंड प्लस फिक्स चार्ज दोनों का मिलाकर वो कितना टोटल पे करता है 1490 रुपीज। यही तो बोला है, मींस 90 किलोमीटर चलने के लिए वो इतना रुपीज पे कर रहा है। सो इस रुपीज में आपका फिक्स चार्ज भी होगा एंड 90 का पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज दोनों को मिलाकर तभी तो वो इतना पे करेगा। सो अब आपको फिक्स चार्ज एंड रेट पर किलोमीटर बताने हैं। नाउ दिस इज योर इक्वेशन 2, ठीक है। सो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस 80 वाई इक्वल्स टू 1330, एक्स प्लस 90 वाई इक्वल्स टू 1490। नाउ एक्स की कोफिशियंट वैल्यू सेम है, साइन भी सेम है, साइन सेम होता तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो साइन क्या हो जाएंगे तीनों के चेंज हो जाएंगे, माइनस 10 वाई इक्वल्स टू माइनस 0, 9 में 6 ही गया 6, 4 में 6 ही गया 1। राइट, नाउ माइनस से माइनस कैंसिल, सो 10 वाई इक्वल्स टू 160। नाउ 10 अब डिनोमिनेटर में ले आएंगे, सो 0 से 0 कैंसिल, दैट मीन्स वाई की वैल्यू आ गई 16। इट मीन्स रेट पर किलोमीटर चार्जेस कितना है आपका 16 रुपीज़ है। नाउ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1। 1 में पुट करेंगे एक्स प्लस 80 वाई इक्वल्स टू 1330। सो इसमें पुट कीजिए x प्लस 80 इंटू 16 इक्वल्स टू 1330, 16 एट 128, सो x प्लस 128 एंड ये 0 एज इट इज 1330, सो x इक्वल्स टू 1330 माइनस 1280। सो गाइस 0, 3 छोटा है, कैरी ले लेंगे, 13 में से 8 गया 5, नाउ 2 रह जाएगा 0, 1 रह जाएगा 0, सो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी 50 रुपीज़ आ गई। इट मीन्स गाइस फिक्स्ड चार्ज कितना हो गया आपका रुपीज़ 80 एंड रेट पर किलोमीटर चार्ज कितना हो गया आपका रुपीज़ 16, ठीक है। सो फिक्स चार्ज कितना आ गया 50 रुपीज़, फिक्स चार्ज आ गया 50 रुपीज़ एंड रेट पर किलोमीटर चार्जेस आ गया आपका 16 रुपीज़, ठीक है। अब आपको मालूम हो गया कि फिक्स चार्ज 50 है एंड रेट पर किलोमीटर चार्जेस कितना है 16 है। सो आपको कितने किलोमीटर चलना है उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कितना पेमेंट देना है। गाइज ये था आपका एक छोटा सा सोल्यूशन जिसमें आपको डिस्टेंस दे दी थी और टोटल अमाउंट दे दिया था और आपको बताया था कि फिक्स चार्ज और रेट पर किलोमीटर चार्जेस का दोनों का टोटल करके आपका इतना रुपीज़ बैठता है, इसी से निकालेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग, वो इसका कोई मतलब नहीं है कि बंदा 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है, तो 2 किलोमीटर चलता है तो उसे कितना रुपीज़ पे करना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं 50 रुपीज़ फिक्स चार्ज है आपका, 16 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज है, तो 1 किलोमीटर का कितना रुपीज़,
16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 32 रुपीज़ हो जाएगा। दैट मीन्स 16 इंटू 2, तो 52 प्लस 32, इट मीन्स 2538, इट मीन्स उसे 82 रुपीज़ पे करने होंगे अगर उसे 2 किलोमीटर जाना है, क्योंकि टैक्सी का फिक्स चार्ज कितना है, 50 रुपीज़ है, एंड 16 रुपीज़ पर किलोमीटर चार्जेस है, तो 1 किलोमीटर का चार्ज 16, तो 2 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। सो फिक्स चार्ज इसमें ऐड कर देंगे, दैट मीन्स 82 रुपीज़ उसको पे करना होगा, चाहे कितनी भी दूर जाए, चाहे आपको 1 किलोमीटर जाना हो तो भी फिक्स चार्ज इंक्लूड होगा। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो सॉल्व कर सकते हैं। गाइज ये था एक कंसेप्ट समझाने के लिए, कभी भी आपसे कोई इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसका इजीली आंसर दे दें। बट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26 जो कि हमें सॉल्व करना था। सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, सिर्फ ये इक्वेशन बन गई तो क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ आ गए हो, समझ आ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए ये समझ आ गया, एंड सभी क्वेश्चंस वन बाय वन देख लीजिएगा, क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन में मैंने आपको कुछ ना कुछ बेसिक कंसेप्ट समझाया है। तो वीडियो को पूरी देखना, अच्छे से समझना, उसके बाद एक्सरसाइज को खुद से भी सॉल्व करके देखना। फर्स्ट टाइम आप वीडियो से देख लीजिए, सेकंड टाइम खुद से सॉल्व कीजिएगा, ओके, एंड अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।